हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले श्री रेणुका सुगर्स लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 1 रुपए 55 पैसे की गिरावट देखने को मिल रही है और ये स्टॉक 3.5% से भी ऊपर की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के 1 सप्ताह में 5.5% के करीबन की गिरावट देखने को मिली है। 1 महीने में 2%, 3 महीने में 5.5% और 6 महीने में 22% से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिली है और 1 साल में इस स्टॉक में 7.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो लगातार स्टॉक में देखें तो 1 साल से स्टॉक में ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिली है, परंतु 2 साल में इस स्टॉक में 266% के करीबन की तेजी देखने को मिल रही है। जैसा कि इस स्टॉक का लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया। 66 रुपीस का इस स्टॉक में हाई बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक बड़ी मात्रा में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलाएगा, जहां पर अभी स्टॉक का नीचे का एक फ्रेश सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आया 39 रुपीस। 39 रुपीस के इस स्टॉक में नीचे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। पीछे के 4 दिनों से इस स्टॉक में एक बड़ी मात्रा में गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 40 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 55 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं, परंतु इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ ही पोजीशन बनाए, वहां पर एक रिटर्न देखने को मिल सकता है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।